ओके जी, इन कंटिन्यूएशन मैं एक चीज भूल गया था, उसने बोला था इक्विटी सेक्शन भी ड्रॉ करना है। तो अगर इक्विटी सेक्शन ड्रॉ करना है तो सबसे पहले क्या लिखूंगा, लीगल वैल्यू। लीगल वैल्यूज हमें कहाँ से मिली हैं, हमें मिली हैं कॉमन स्टॉक की वजह से। तो सबसे पहले तो हम इस चीज को रिकॉर्ड करेंगे कि हमें लीगल के अगेंस्ट कितना मिला है। तो कॉमन स्टॉक हमें मिला है और उसमें से लीगल कितना मिला था, हमें 25 मिलियन का लीगल मिला था। फिर हम लिखते हैं एडिशनल पेड इन कैपिटल, उसमें भी हम लिखते हैं कि कॉमन स्टॉक हमारा कितना था, तो वो वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, हमें एक्स्ट्रा कितना मिला था, 5 मिलियन। तो ये हो गया हमारा टोटल पेड इन कैपिटल। टोटल पेड इन कैपिटल में हम ऐड करते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स और माइनस कर देते हैं ट्रेजरी स्टॉक। तो यहाँ पे ट्रेजरी स्टॉक वो आता है जो साल के एंड में बैलेंस पड़ा हो। 1 लाख लिए थे, 70,000 बेच दिए, तो 30,000 का ट्रेजरी स्टॉक पड़ा है 50 के हिसाब से। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1.5 लाख रुपए आ जाएगा। तो ये बन जाएगी हमारी टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन की कंप्लीट रिक्वायरमेंट पूरी हो गई।